नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग साउथ अफ्रीका वैसे श्रीलंका के बीच में जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का अगला मुकाबला होने वाला है इसमें हम लोग यहाँ पे एक करोड़ वाली ग्रैंडिक को टारगेट करते हुए यहाँ पे पांच ग्रैंडिक की टॉप की टीम है यहाँ पे इस मुकाबले की बनाने वाले हैं हर एक टीम के बीच फ्रेंड्स आपको अलग सा लॉजिक अलग सा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जोर से वॉच करना वीडियो में आप लोग कुछ एडवांस चीजें भी सीखोगे जैसे इसके मुकाबले के लिए कौन सा परफेक्ट प्लेयर यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का बन सकता है इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन से वो प्लेयर फ्रेंड्स जिन्हें आप लोग एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में इस इस वाले मुकाबले में ट्राई कर सकते हो और कौन से वो प्लेयर फ्रेंड जिनका सिलेक्शन बहुत कम है यानी कि अंडर अंडर और अंडर थर्टी परसेंट के अराउंड आपको देखने को मिलेगा तो इन प्लेयरों के ऊपर भी हम लोग पे फोकस करेंगे यानी कि इन प्लेयरों को हम लोग यहाँ पे सिंपली कहते हैं सेकेंडरी प्लेयर ठीक है तो इस मैच के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी प्लेयर बनेंगे उनके ऊपर भी हम लोग पे काफी बात करने वाले तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जोर से वॉच कर लेना ठीक है तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग कमाल के एप्लीकेशन के बारे में पे बताना चाहूंगा जिस एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड विजय जिन भी लोगों ने अभी तक विजय भाव खेलना स्टार्ट नहीं किया वो लोग खेलना स्टार्ट कर सकते हो इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करोगे फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आप लोगों से जैसे आप लोग साइन अप पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा फिर आपको अपना ई मेल फिर आपको रेफर कोड जो पूछा जाएगा वो आपको ध्यान से डालना ठीक है रेफर कोड आपको डालना डबल एफ डबल वन एफ एफ वन वन आपको रेफर कोड डालना जिससे कि फ्रेंड्स आपको सेवेंटी फाइव रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस इंस्टेंट उसी टाइम मिल जाएगा ठीक है फिर आप लोग जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिट करोगे फ्रेंड्स मिनिमम हंड्रेड रुपज़ है मैक्सिमम फाइव हंड्रेड रुपीजी तक है तो इसके बीच में आप लोग जितना भी डिपॉजिट करोगे आपको फ्रेंड्स हंड्रेड परसेंट जॉर्निंग बोनस यहाँ पे मिल जाएगा यानी कि फ्रेंड्स जितना भी आप लोगों ने डिपॉजिट किया सीधे आपके पैसे यहाँ पे डबल हो जाएंगे इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे विन करना ना बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप लोगों ने आज भी देखा होगा फ्रेंड्स हम लोगों ने टेलीग्राम पर जो शेयर किया था यहाँ का विजय भाव का रिजल्ट तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे आके देखिए ये विजयी भवन में हम लोगों ने कुछ कॉन्टेस्ट यहाँ पे लगाए थे आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इजीली और बहुत बड़े अंतर से यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विन किया है ठीक है इसके बाद आप लोग देखोगे तो और भी जो मैचेस थे आप लोग यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स और भी एप्लीकेशनों में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विन किया यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक और एप्लीकेशन यहाँ पे वन हमारी रैंक रही थी और आप लोग देखिए स्मॉल लीग लगभग ऑलमोस्ट हम लोगों ने जितनी भी यहाँ पे खेली थी सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पे विन की थी ठीक है आप लोग हमारा टीम कॉम्बिनेशन देखिए कुछ इस तरीके से था तीनों के तीनों जो बॉलर थे ड्रीम टीम के थे दो ऑलराउंडर भी ड्रीम टीम दो, दो बैट्समैन भी ड्रीम टीम के थे और विकेट कीपर भी ड्रीम टीम का था ठीक है ऑलमोस्ट आप लोग देखें पे आठ प्लेयर हमारे ड्रीम टीम के थे पूरी तरह तो तो से क्लीनशिप तो किया चेक कर सकते हो देख सकते यहां पे कल भी हम लोगों ने ग्रैंडिंग मिस की थी छह रैंक रही थी फ्रेंड ग्रैंडिक के ऊपर ठीक है और स्मॉल लीग आप लोगों ने यहाँ पे क्लीनशिप किया और आप लोग देखिए जो मिनी ग्रैंडिंग है यहाँ पे भी देख सकते हो लो सारा सारा आप लोग नाइन रैंक रही थी इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते और और

का रिजल्ट आ सकता है फ्रेंड्स या तो या पे साउथ अफ्रीका की टीम विन करेगी या तो यहां पे श्रीलंका की टीम विन करेगी यही दो तो फाइनल रिजल्ट आपको पे देखने को मिलेंगे तो इन्हीं दो रिजल्टों के ऊपर आपको और डीपली सोचना है कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम विन करी तो किस तरीके से विन कर रही है या तो साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने वन साइडेड विन करा दिया जहां पे आप लोग देखते होंगे ओपनर जो रहते किसी टीम के तो फ्रेंड्स वो ना मैच को वन साइडेड विन करा सकते हैं लेकिन ऐसे चांसेस इस मैच में कितने लग रहे हैं इससे चांसेस फ्रेंड्स इस मैच में लगभग पांच परसेंट ऑनली हमें देखने को मिल रहे हैं ठीक है एक कंडीशन आ सकती है कि साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने मैच को वन साइडेड विन करा दिया थीके? लेकिन इस टाइप की कंडीशन इस मैच में कितनी बननी है लगभग फ्रेंड्स आप लोग देखोगे पे से आठ परसेंट बननी कि साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने मैच को वन साइडेड दिया ठीक है इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने श्रीलंका के बैट्समैनों को अंडर एट्टी अंडर सिक्सटी या फिर अंडर हंड्रेड में यहां पे ऑल आउट कर दिया फिर इनके मैक्सिमम विकेट इन्होंने उड़ा दिए ठीक है इस केस में क्या रहेगा कि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर रहेंगे वो ड्रीम टीम में की प्लेयर का काम करेंगे और उनको हम लोग एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं ठीक है तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है फ्रेंड्स पे साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इनके बैट्समैनों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसे आप लोग कह सकते हैं कि मिला जुला परफॉर्मेंस ठीक है बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा जो विनिंग टीम रहती है फ्रेंड्स उसी का कैप्टन बनता है बॉलर मतलब ड्रीम टीम में कैप्टन जो बनेगा वो उसी टीम का बॉलर बनता है और उसी टीम का ओपनर या फिर कोई फर्स्ट डाउन का अच्छा बैट्समैन वो वाइस कैप्टन बनता है ठीक है तो इस टाइप की कंडीशन फ्रेंड्स इस मैच में लगभग अराउंड बारह के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आप सिंपली टीम नंबर वन के अकॉर्डिंग ठीक है तो फ्रेंड्स टीम नंबर वन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्या कर रखा साउथ अफ्रीका को हम लोगों ने यहाँ पे विन करा रखा ठीक है जो पहला रिजल्ट था हमारा हम लोगों ने इमेजिन किया था कि साउथ अफ्रीका विन करेगी ठीक है तो अगर साउथ अफ्रीका विन करेगी तो कुछ इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से ये वर्क कर सकता है ठीक है यहाँ पे देखिए कैप्टनसी मैंने यहाँ पे सिंपली रबाड़ा को दी है वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे रीजा हैंडिक्स को दी है जो कि ओपन करेंगे ठीक है दोनों ओपनरों के साथ में गया हूँ प्लस यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जो बैट्समैन है यहाँ पे मैंने पिक कियाडम मार्कर हम आपको पता बॉलिंग भी कराते हैं और अच्छी खास विकेट भी निकाल सकते हैं बाकी चार जो इंपॉर्टेंट बॉलर मुझे लगे यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ से उनको को मैंने सिंपली पिक कर लिया चार प्लेयर मैंने श्रीलंका की तरफ से पिक किया की टीम हारती भी है ना तब भी ये कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करके देंगे देंगे ही ठीक है तो ऑलमोस्ट इस टीम का जो हमारा पे मतलब इमेजिनेशन है वो ये है कि इस टीम के अकॉर्डिंग हम लोग ने सिंपली साउथ अफ्रीका को विन करा रखा ठीक है अब चलेंगे हम लोग यहां पर टीम नंबर टू के अकॉर्डिंग तो आप लोग यहां पे देखिए मैंने सिंपली श्रीलंका को विन करा रखा ठीक है जो कि हमारा दूसरा रिजल्ट आ रहा था या तो साउथ अफ्रीका विन करेगी या तो श्रीलंका विन करेगी ठीक है टीम नंबर वन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को विन

प्लेयर है ना वो उतना अच्छा नहीं बनना जबकि इनका जो लहरों को मारा कुशाल परेरा वाला पेयर जो मुझे लगा ये काफी ज्यादा बेटर लगा ठीक है इनका बॉलिंग भी अच्छा है आप लोग बॉलिंग में प्लेयोग मेंहरू को मारा और यहां आप है आपको पता है एम बहुत जबरदस्त बॉलर है एक आप लोग मिस्टीरियस स्पिनर आप लोग इन्हें कह सकते हो इनकी टीम से ठीक है तो इनको भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल प्ले करके दे सकते हो या फिर इनकी तरफ से एक बहुत शानदार ऑलराउंडर अवेलेबल है हसरंगा ठीक है तो हसरंगा को भी आप लोग चाहो लो तो लो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते तो ये काफी सेफ भी आप लोग के लिए हो सकते हैं ठीक है नेहरू कुमार को आप लोग वाइस कैप्टन करना और इनको आप लोग कैप्टन करना तो ये एक सेफ सा कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा हो सकता है इस टाइप का कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोग बनाएं इसलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे वेनिंदू हसरंगा को मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं दी है मुझे जो इनके अल्टरनेट लगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे पिक वो मुझे यहाँ पे लहरो कुमारा और खुशहाल परेरा लगे ठीक है इस टीम में आप लोग देखिए चार प्लेयर मैंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ से पिक किए ये चार प्लेयर ऐसे हैं सपो अगर साउथ अफ्रीका की टीम हारती भी है ना तब भी ये आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यून करके दे सकते हैं और फ्रेंड्स ड्रीम टीम का पार्ट बनने का ये काम करेंगे ठीक है तो ओवरऑल इस टीम का जो इमेजिनेशन है वो ये है कि यहाँ पर श्रीलंका इस मैच को विन करेगी ठीक है अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सिंपली टीम नंबर थ्री के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स टीम नंबर वन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को विन कराया टीम नंबर टू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे श्रीलंका को विन कराया अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका विन करती है या फिर श्रीलंका विन करती है सपोज एट दोनों टीमों के बीच में क्लोज फाइट होती है चाहे कोई भी टीम विन करे कोई भी टीम हारे अगर क्लोज फाइट होगी तो हमारी जो टीम नंबर थ्री है वो ग्रेडनिक को क्रैक करके लाएगी ठीक है इसमें आप लोग देखिए कैप्टनिशी मैंने एंडम मार्करम को दी है वाइस कैप्टनशी मैंने यहाँ पे हसरंगा को दी है इस टीम में आप लोग देखोगे ओवरऑल मैंने सारे के सारे सेफ प्लेयर लिए छः पांच का कॉम्बिनेशन नॉर्मल सा है बहुत सारे एक्सपर्ट आप लोग को इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है स्मॉल लीग में भी सजेस्ट करते होंगे लेकिन आप लोग देखिए इस वाली टीम में फ्रेंड्स मैंने कुछ रिस्क लिया है ठीक है कहां पे मैंने रिस्क लिया आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए ठीक है अब इसका फेरा बहुत टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चले बहुत कम इनका सिलेक्शन है इनको मैंने यहाँ पर सिंपली पिक कर रखा ठीक है और भी आप लोग यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नॉर्मल से यहाँ पे डेवन तो अब सिलेक्शन ज्यादा हो गया है लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे तो लगभग ये टीम आपको मतलब एक प्रकार से आप लोग देखिए तो एक कैलकुलेटेड रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ठीक है आप चाहो तो और भी रिस्क इस टीम में ले सकते हो जैसे कि मैंने एक रिस्क यहाँ पे किस किसको ले लिया अब इसका फर्नांडो को जिनका सिर्फ ग्यारह परसेंट सिलेक्शन है आप लोग यहाँ पे क्या सकते पे दसुन सनाका को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो ठीक है सिलेक्शन अट्ठाइस इनके आसपास इनका है लहरू कुमारा का भी सिलेक्शन फोर्टी फोर परसेंट का अराउंड है तो आप लोग यहां पे क्या कर सकते हो नोरकिया या फिर रबाड़ा की जगह पर आप लोग ना पे केशव महाराज या फिर तबरेत सामसी को भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो ठीक है मैं महाराज को ले ले रहा हूं इससे क्या हो गया हमारे दो रिस्की प्लेयर इस टीम में हो गए और ये टीम ओवरऑल एक मतलब कैलकुलेटेड रिस्की टीम में आप लोग इसे कह सकते हो ठीक है तो आप लोग यहाँ पे देखिए सिंपली ये टीम उस टाइम पर वर्क करेगी फ्रेंड्स जब यहाँ पे क्या होगा दोनों टीमों के बीच में क्लोज फाइट आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो जब भी फ्रेंड्स आप लोगों की टीम सेफ बनती है तो आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की रखिए जब भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की रखते हो तब आप अपनी टीम जो है ओवरऑल सेफ रखिए ठीक है थीके? अभी आप लोग देखिए मैंने दो रिस्की प्लेयर यहाँ पे सिंपली पिक कर रखे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सेफ यहाँ पे पिक किए हैं ठीक है थीके? अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपली टीम नंबर फोर की तरफ तो फ्रेंड्स एक कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि मुकाबला जो है वो बैटिंग फ्रेंडली चले गया ठीक है सपोज यहाँ पे बॉलरों को विकेट नहीं मिले आप लोग किसी भी सीरीज़ के जो मैच हैं उन्हें उठा के देख लीजिए पाँच से छः मैच ऐसे होते ही होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पे ना बैट्समैनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रहता और बैट्समैनों के फेवर में ही जो मैच है वो गया रहता ठीक है बॉलरों को इस किस में क्या होता है फ्रेंड्स कि माइनस में कभी कभी पॉइंट मिल जाते हैं और हो सकता है कि लास्ट के जो डेथ के बॉलर हैं उनको यहाँ पर एक आध लास्ट में विकेट मिलेंगे ठीक है इस वाली टीम में आपको सिंपली एक चीज़ और इमेजिन करना है कि आपको

क्रैक करते हुए लगभग नाइनटी परसेंट बार आपको दिख जाएगी ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोग को इस टीम में अगर कुछ चेंजेस भी लग रहे हो ना जैसे आप लोग को लग रहा है यार टीम तो ये अच्छी है लेकिन इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे कुछ और रखने चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर रख सकते हो अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपली टीम नंबर फाइव की तरफ तो फ्रेंड्स टीम नंबर फाइव के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पे क्या चीज इमेजिन किया है कि सपोज दट अगर मुकाबला यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली जाता है ठीक है दोनों टीमों के पास आप लोग देखिए क्वालिटी बॉलर अवेलेबल है तो हो सकता है कि मुकाबला जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली चले जाए ठीक है वैसे भी आप लोग देखोगे बैट्समैन इसमें मैक्सिमम ऐसे फ्रेंड जो आउट ऑफ फॉर्म है तो हो सकता है कि मुकाबला

मैं तो कहूँगा फ्रेंड्स आप लोग इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है ना बॉलिंग वाला वो दो से तीन हर गे एक ग्रैंडिंग में आप लोग ट्राई करिए देखिए आप लोग डेफिनेटली ग्रैंडिंग में दो हर तीसरे चौथे दिन आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगोगे हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्दी ही ग्रैंडिंग विन कर लो ठीक है तो जरूर से फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ट्राई करिए इस चीज में आप लोग क्या करना जब भी आप लोग बॉलिंग फ्रेंडली मुकाबला सोचोगे तो बैट्समैनों को आपको कभी भी कैप्टन नहीं रखना आपको कैप्टन हमेशा बॉलरों के ऊपर ही जाना क्योंकि आप लोग क्या सोच रहे हो कि मुकाबला बॉलिंग फ्रेंडली जाएगा तो मैक्सिमम पॉइंट आपको बॉलर ही ला देंगे ठीक है तो ये पांच टीमों का जो कॉन्सेप्ट था जो कैलकुलेशन था आपको अगर समझ में आए आया हो और फ्रेंड्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स आप सभी लोगों को विजय का लिंक भी दे रखा वहां से आप लोग विजय को डाउनलोड कीजिए वहीं आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी आप लोग कर सकते हो एट द रेट इक्कीस से ज्यादा मेंबर्स वाला जो चैनल आपको मिलेगा वही चैनल आपको ज्वाइन करना है इससे कम या ज्यादा वाला चैनल जो रहेगा उसको आपको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना ठीक है तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी के लिए इस मैच का बहुत सारा गुड लक